हेलो एवरीवन, दिस इज विनीता बिश्नोई एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज जो मैं टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है सारे स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो स्टूडेंट्स बोर्ड्स में हो, कॉलेजेस में हो, उन सबके लिए जिनके लिए कॉन्सेंट्रेशन करना स्टडीज में बहुत मुश्किल है। और एग्जाम्स के टाइम पे तो कॉन्सेंट्रेशन की बहुत जरूरत है, बट बिकॉज ऑफ आर हैबिट्स और कुछ ऐसी चीजें हम करते हैं जिसकी वजह से हमारा कॉन्सेंट्रेशन जो है डाउन होता जाता है और हम फोकस नहीं कर पाते हैं एंड उसका एंड रिजल्ट अच्छा नहीं होता, देन उस समय पछताने का कोई मतलब नहीं होगा। सो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ, क्योंकि हम सब स्टूडेंट्स रह चुके हैं, कुछ चीज आपके पेरेंट्स भी बोलते होंगे, तो मैं बस उन सबको क्लब करके आपके सामने उन सारे पॉइंट्स को लेके आई हूँ जिससे आप अपने कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, फोकस्ड हो सकते हैं और ये जो एग्जाम टाइम है उसमें आप मिरेकल क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज है क्रिएट गुड स्टडी एनवायरनमेंट। आप जहां पे भी पढ़ने बैठते हैं, सबसे पहली चीज प्लीज बेड पे मत बैठिए, कोई भी कंफर्टेबल जगह पे, कंफर्टेबल इन सेंस लेटना हो या आप बहुत अच्छे से सोफे पे बैठ के पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ मत कीजिए। आप एक ऐसा प्लेस चूज कीजिए, सबसे पहले वहां पे एकदम नीट एंड क्लीन जगह होनी चाहिए, आपका नाइट लैम्प हो, एक अच्छा सा फ्लावर पॉट हो जिसमें आपका फेवरेट कोई प्लांट हो छोटा सा, आपके टेबल के सामने कुछ अच्छे अच्छे थॉट्स हो, वो जो जगह है जहां पे बहुत अच्छे से लाइट आती हो, एयर आता हो, आप वो जगह चूज कीजिए ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट जगे, आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो। तो इसकी वजह से क्या होता है, इट मैक्सिमाइजेस योर लर्निंग एफिशिएंसी, आपकी जो एफिशिएंसी होती है लर्निंग की उस एनवायरनमेंट में इंक्रीज होती है, वहां से पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। सेकेंड, इट मेंटेन्स योर कॉन्सेंट्रेशन, जब पॉजिटिव वाइब आ रही है आपको वो जगह अच्छी लग रही है। अच्छा, अब सोच के देखिए हम कैफे में जाना क्यों पसंद करते हैं, कैफे में जाना बिकॉज ऑफ हाउ इट इज बीन मेंटेन्ड, वहां की लाइट्स हमें अट्रैक्ट करती है, वहां की प्लांटेशंस जिस तरीके से उनका अरेंजमेंट होता है, वैसा ही थोड़ा अरेंजमेंट आप अपने स्टडी टेबल का भी कर सकते हैं जिससे आपको वहां बैठना अच्छा लगे। सो अगर बैठना अच्छा लगेगा तो ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो ही जाना है। देन मैंने आपको बोला वहां पे प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, वेंटिलेशन, एयर आनी चाहिए, आपको कंफर्टेबल फील होना चाहिए एंड गैदर रिसोर्सेज इन एडवांस। इसका सिंपल मतलब है कि जितने भी आपको गाइड्स चाहिए, बुक्स चाहिए, जेरोक्स चाहिए, उन सब रिसोर्सेस को आप पहले, जब भी आप स्टार्ट करने वाले अपना टाइम टेबल, एक स्पेसिफिक टाइम टेबल, उससे पहले इन सबको गैदर करें। क्योंकि होता क्या है, सपोज आप चैप्टर नंबर 1 का स्टडी करके बैठे हैं, आपने पेस पकड़ लिया, आप कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रख रहे हैं एंड सडनली जब आप सेकेंड चैप्टर पे पहुंचते हैं तो जो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं, जो PDF फाइल आपको चाहिए थी उसकी जेरोक्स नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, आपका जो पेस होता है, जो रिदम होता है, वो ब्रेक हो जाता है एंड देन अगेन यू लूज योर इंटरेस्ट इन स्टडीज। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, आप पहले सारे रिसोर्सेज को गैदर कीजिए। नेक्स्ट वन इज मेक अ स्टडी प्लान। मेक अ स्टडी प्लान, क्योंकि जब तक आप रियलाइज करते हैं कि एग्जाम्स बहुत पास आ गए, अब पढ़ना बहुत जरूरी है, उस समय तक आपके पास बहुत सारा कोर्स होता है कंप्लीट करने के लिए। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सपोज अपना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट सबसे पहले उठा लिया, जैसे सपोज बायोलॉजी उठाया एंड यू स्टार्टेड डाइविंग डीप इनटू दैट टॉपिक और इनटू दैट सब्जेक्ट। ऐसा करेंगे तो आपका कोर्स टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा। सो इन दिस केस यू हैव टू टेक अप ऑल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स इन अ डे। सब सब्जेक्ट को आप टाइम दो, सब सब्जेक्ट का स्पेसिफिक टाइम टेबल बनाओ और उस टाइम टेबल को आप अपने टेबल के आगे स्टिक कर दो, सो दैट आपकी नजरों में आएगा तो आपको रहेगा कि नहीं मुझे कंप्लीट करना है। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट वे टू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन। तो जब भी सपोज देर आर, अगर मैं साइंस स्टूडेंट्स की बात करूं, देर आर मेन 3 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और जिनका मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री है। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन डिवाइडेड इट लाइक 2-3-3। इस तरीके से आप आवर्स दीजिए, आपको लगता है बायोलॉजी का कोर्स ज्यादा इजी है, आप 2 आवर्स दे, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए 3-3 आवर्स दे। लाइकवाइज यू हैव टू डिवाइड एंड कीप ऑन कंप्लीटिंग
ईच एंड एवरी टास्क एवरी डे, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप ज्यादा फोकस होते जाएंगे. नेक्स्ट इज अवॉइड डिस्ट्रैक्शन. अब आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस क्या है? डिस्ट्रैक्शंस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में भी आप कितना टाइम लगाते हैं, फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, इसको देखना, उसको देखना, मीम्स चेक करना, और ये सब नहीं भी तो, या फिर दूसरों के प्रोफाइल स्टॉक करना. मतलब हमको एक के बाद एक के बाद कुछ ना कुछ टास्क मिलते रहते हैं जो हमें पूरी तरीके से इंडल्ज कर लेते हैं इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में. हमारी कोई गलती नहीं है, हमारी ही सबसे बड़ी गलती होती है. एंड ये सब छोड़, ये सब नहीं हुआ तो क्या, हम कोई भी शॉपिंग साइट खोल के उसमें चीजों को कार्ट में ऐड करते रहते हैं और कुछ टाइम के बाद वो डिलीट कर देते हैं. बट व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड, उसने आपका इतना सारा टाइम कंज्यूम किया और वो टाइम आपके स्टडीज में अगर आप यूटिलाइज करते तो बहुत बेनिफिट होता. सो दिस इज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन. और जितना आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में घुसते जाएंगे, आपका फोकस, आपका कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा. तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? स्विच ऑफ योर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड गिव इट टू योर पेरेंट्स. स्विच ऑफ कर दो. अगर आप पढ़ने बैठ रहे हैं, आप पूरे दिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मत टच कीजिए. फिर आप बोलेंगे कि इंपॉर्टेंट मैसेजेस आते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस आते हैं, आपके पेरेंट्स उनको रीड करके आपको बता सकते हैं, या आप अपने फ्रेंड्स को अपने पेरेंट्स का नंबर दो, और अगर उनको बहुत जरूरी कुछ मैसेज कन्वे करना है तो आपके पेरेंट्स के थ्रू कर देंगे. या फिर एक और रास्ता है, आप अपने पूरे दिन में एक स्लॉट रेडी रखिए. जब भी आप पढ़ाई करने के बाद ब्रेक लेते हैं, लाइक इन इवनिंग 5 to 6 आई एम फ्री, मेरा ब्रेक टाइम है, मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को बता दिया कि मैं 5 to 6 फ्री रहता हूँ, उस समय मैं मोबाइल यूज करता हूँ, तो आपके फ्रेंड्स भी रेडी रहेंगे कि चलो कोई बात नहीं, कोई भी मैसेज है हम 5 to 6 में आपको कन्वे कर देंगे. सो दिस इज ऑल्सो अ वे कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, आपका लाइफ, आपकी जो रूटीन है वो भी मेंटेन रहे, आपका फ्रेंड्स के साथ भी रिलेशन मेंटेन रहे, कम्युनिकेशन मेंटेन रहे. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ वे. नाउ व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज, जब भी आप पढ़ रहे हैं, मोबाइल स्विच ऑफ करके आप अपने स्टडी टेबल पे मत रखो. गिव इट टू योर पेरेंट्स और कीप इट समवेयर अवे फ्रॉम यू. आपके आंखों के सामने वो चीज नहीं होनी चाहिए. दूसरा, जब आप सोने जा रहे होते हैं तो बच्चों की आदत होती है कि हम बेड पे लेटे लेटे थोड़ा बहुत स्क्रॉल करते रहते हैं, वो भी नहीं करना है. व्हेन यू आर अबाउट टू स्लीप, बिफोर दैट आल्सो नो मोबाइल यूसेज. एंड जो मॉर्निंग का जो फर्स्ट आवर होता है ना, जब हम बेड से उठते हैं और हम थोड़ा पानी पीते हैं, वॉक लेते हैं, दैट टाइम आल्सो यू डोंट हैव टू यूज मोबाइल्स. अगर वो फर्स्ट आवर्स में अगर आपने मोबाइल यूज किया तो आपका पूरा ध्यान चला जाता है मोबाइल की तरफ, और फिर आप खोने लगते हैं और कॉन्सेंट्रेशन लूज करने लगते हैं. तो कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करने के लिए प्लीज 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 अवॉइड दीज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. नेक्स्ट इज स्टडी विद रेगुलर ब्रेक्स. एक्चुअली क्या होता है, आप एक बार जोश में आ जाते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ने लगते हैं, पढ़ते पढ़ते जो आपकी अंडरस्टैंडिंग की जो एफिशिएंसी होती है वो डाउन होने लगती है. सो थोड़े थोड़े टाइम के बाद आप ब्रेक लेते रहा करो. थोड़े थोड़े ऐसा नहीं होता कि 15-20 मिनट के बाद ब्रेक ले लिया, नहीं, आपने 2 hours का स्लॉट रेडी किया है, 2 hours के बाद आप ब्रेक लो. बट वो ब्रेक अच्छा होना चाहिए. ब्रेक लेने से क्या होता है, आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, आप ऑक्सीजन लेते हैं, आप समझते हैं कि जो मैंने 2 घंटे पढ़ाई किया वो कैसा था और मुझे नेक्स्ट आवर्स में कैसे पढ़ाई करनी है, मैंने क्या मिस्टेक की है, कैसे उन्हें ठीक करना है. एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड इन दैट ब्रेक ओनली, एंड यू कैन इवन प्लान फॉर द नेक्स्ट सेशंस. तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. और ब्रेक से क्या होता है, आपके अंडरस्टैंडिंग जो होती है, क्योंकि माइंड फ्रेश हो चुका है, तो आप बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी जल्दी चीजों को समझने लगते हैं. सो यहाँ पे मैंने लिखा है, एनहांस योर लर्निंग कैपेसिटी एंड इट इंक्रीजेज योर लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. तो ये आपकी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज करना कर रहा है और आपके कॉन्सेंट्रेशन को भी इंक्रीज कर रहा है. नेक्स्ट इज, अब सी आप लोगों को भी ब्रेक में रिफ्रेश होने का अलग अलग तरीका फाइंड आउट करना है. अगर आप मोबाइल टच करने के लिए उसमें फिर आप बाकी के सोशल मीडियाज में जाएंगे तो फिर आप खो सकते हैं. सो इन दैट केस आप
डाउनलोड कर लो म्यूजिक और म्यूजिक सुनो, या बहुत अलग अलग तरीके हैं म्यूजिक डिवाइसेस है जिससे आप म्यूजिक सुन सकते हैं. सो लिसन टू द म्यूजिक, रिफ्रेश योर माइंड. द ओनली मंत्रा विच इंक्रीजेस, विच विल रिफ्रेश योर माइंड, रिफ्रेश यू, एंड यू विल बी वेरी एनर्जेटिक टू स्टार्ट विद द सेकेंड सेशन. नेक्स्ट, बी फोकस्ड. अब फोकस्ड पूरी बात वही हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने का. तो कैसे कॉन्सेंट्रेशन और इंक्रीज किया जाए, उसके लिए फोकस्ड रहना जरूरी है. और फोकस्ड रहने के लिए तो सबसे पहले टॉक टू योरसेल्फ. आपको ऐसा लगता है तो कि नहीं, मैं मुझे नहीं आ रही ये चीज, या मुझे डिफिकल्टी आ रही है, मेरा मन नहीं लग रहा, दैट टाइम टॉक टू योरसेल्फ. टेल योरसेल्फ यस यू कैन डू इट, आई हैव टू डू इट, मुझे करना ही है और कोई रास्ता नहीं है, और सब करते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता या कर सकती. तो आपको बार बार अपने से बात करना है, अपने आप को भी एनकरेज करते रहना है, ताकि आपका माइंड जो है वो कॉन्सेंट्रेशन लूज ना करे. मेडिटेट करो. आपको बहुत घबराहट हो रही है या आपको ऐसा लग रहा है बहुत हो गया, दैट टाइम क्लोज योर आईज, अपने बैक को स्ट्रेट करो एंड स्टार्ट मेडिटेटिंग. मेडिटेशन का मतलब, जब आप आईज क्लोज करते हो तो आपको बहुत सारे थॉट्स बैक टू बैक आएंगे. तब तक क्लोज रखो आईज जब तक आपको ऐसा बहुत सारे जो थॉट्स आ रहे हैं वो आना बंद ना हो जाए. तो मेडिटेशन से ही आएगा और फिर आप अपने आप काम डाउन हो जाओगे. नेक्स्ट, ईट हेल्दी. अपने आप को ट्रीट भी दो कि नहीं, आज मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, पूरा जो मैंने टाइम टेबल फिक्स किया था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है. सो गिव अ ट्रीट टू योरसेल्फ. आस्क योर मदर टू मेक टेस्टी डिशेस और योर फेवरेट डिशेस. तो क्या है, आपको हर रोज वो एक्साइटमेंट रहेगी कि अच्छा मैं, मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा और मुझे फिर मेरा फेवरेट फूड मिलेगा. फिर ड्यूरिंग द स्टडी आवर्स, जब आप 2-3 घंटे वाले स्लॉट्स में बैठते हैं, दैट टाइम हैव दैट हैबिट ऑफ टेकिंग लॉट्स ऑफ वाटर. आप जितना वाटर लेंगे उतना ही ऑक्सीजन होगा, उतना ही आप रिफ्रेश फील करेंगे, उतना ही ऑक्सीजन आपको, आपकी बॉडी को वाटर के थ्रू भी मिल रहा है. एंड दूसरी एक और चीज है कि ये जो वाटर है, इसका जरूरी नहीं आप प्लेन वाटर लो. यू कैन हैव दिस रिफ्रेशिंग ड्रिंक, जैसे लेमन जिंजर वाटर, लेमन एंड मिंट वाटर, ऐसे बहुत सारे रिफ्रेशिंग, आपके मम्मी को, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को बहुत सारे ऐसे रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स के बारे में पता होगा. सो यू कीप ऑन टेकिंग इट, तो इससे थोड़ी थोड़ी देर के बाद अगर आप सिप लोगे तो यू विल फील बेटर इन दैट कंडीशन. थिंक बिफोर यू स्लीप. जब भी आप सोने जाते हैं उससे पहले एक थोड़ी देर का टास्क आपको रखना है. उस टास्क में होगा, पहली चीज, पूरे दिन में आपको अपना रियलिटी चेक करना है कि पूरे दिन में जो मैंने सोचा था क्या मैं वो अचीव कर पाया हूं या पाई हूं, और अगर अचीव नहीं किया है तो नेक्स्ट दिन उसे कंपनसेट कैसे करना है. यू हैव टू मेक दैट प्लान. दूसरी चीज कि आपको कल कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं, वो भी पूरा टाइम टेबल आपको रेडी रखना है, ताकि आप सुबह उठे और अपने काम में फटाफट लग जाओ. तो ये एक तरीका है जिससे आप अपने आप को बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड करके, कॉन्सेंट्रेशन के साथ फोकस्ड होके आप अपने काम में हर रोज सुबह उठते ही लग सकते हो. अगर आप एक दिन पहले ही अपने मिस्टेक्स को लर्न करो, अपने मिस्टेक्स के बारे में सोचो, टाइम टेबल बनाओ, और जो भी मिस्टेक्स की है उनको किस तरीके से ओवरकम करना है, दैट टू यू हैव टू मेक अ प्लान फॉर इट. देन साउंड स्लीप बिफोर. अच्छा, बच्चे ऐसा कहते हैं कि कम 4 आवर्स सोना है, 5 आवर्स सोना है, नींद पूरी नहीं लेनी है. प्लीज डोंट डू दैट. योर बॉडी इज नॉट अडेप्टेड टू इट. हाँ, आप एग्जाम से जस्ट 1 मंथ पहले ये चीज करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, बट अगर अभी से ही आपने ये अपना हैबिट डाल लिया कि नहीं मुझे सोना है, 5 घंटे सोना है क्योंकि मेरा फ्रेंड 5 घंटे सोता है, मुझे 5 घंटे ही रेस्ट करना है क्योंकि मेरी फ्रेंड ने ऐसा बोला है, ऐसा नहीं होता. आपकी बॉडी कितनी ज्यादा अडेप्टेड किस चीज के लिए है वो इम्पोर्टेंट है. अगर आप 7 घंटे सोते हैं या 6 घंटे सोते हैं, तो सोने से आपकी बॉडी एक तो रिलैक्स हो जाएगी, माइंड रिलैक्स हो जाएगा, एंड जो भी आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होती है व्हेन यू आर टेकिंग अ साउंड स्लीप. सो सोना भी उतना ही जरूरी है.
और रही स्टडी पैटर्न की कि हम रात में पढ़े या दिन में पढ़े, ये डिपेंड करता है। कोई लोगों को रात में ज्यादा समझ में आता है, किसी किसी को सुबह ज्यादा समझ में आता है। सो ये चीजें हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है, स्कूल के टाइम पे कैसे बनता है टाइम टेबल, किस तरीके से आप नाइट में स्टडी कर सकते हैं, मॉर्निंग, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमें कॉन्सेंट्रेशन कैसे इंक्रीज करना है, दैट वी आर डिस्कसिंग नाउ। द लास्ट इज स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। जैसा कि मैं आपको पहले ही एग्जाम्पल दे चुकी हूँ कि आप अपने फ्रेंड से कंपेयर नहीं करो कि आज मेरा फ्रेंड सिर्फ 4 घंटे सोता है तो मैं भी 4 घंटे सोऊंगा। तो शायद आपके फ्रेंड अडाप्ट कर चुका होगा उस चीज को, या बहुत पहले से उसने यही किया होगा, या उसके पास इतनी एनर्जी है जिसके वजह से वो अपना रूटीन मेंटेन कर पा रहा है। बट अगर आपने तुरंत अपने फ्रेंड को देख के ये सोचा तो क्या होगा, आपकी नींद पूरी नहीं होगी और नेक्स्ट दिन आप जब सो के उठोगे तो आपको सिर्फ ऐसे लगेगा मुझे बहुत थकावट हो रही है, मुझे नींद आ रही है, आप एनर्जेटिक फील नहीं करोगे और फिर एक दिन के वजह से, 4 घंटों की वजह से आपका पूरा टाइम टेबल वेस्ट हो जाएगा। सो नेवर कंपेयर योरसेल्फ। आप अपने ही पेस से, अपने ही टाइम टेबल के हिसाब से चलो और अपने ही रूटीन के हिसाब से चलो, ठीक है। सो दिस इज ऑल द वेज हाउ यू कैन इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन इन योर स्टडीज एंड दीज आर द बेस्ट वे। ट्रस्ट मी, अप्लाई इट एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बैंग ऑन। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो with more such videos in which I will be telling you about how to make timetables and kab kaun se timetables banane hai and kis tarike se hum answers present kar sake, kis tarike se hum kam time mein zyada course cover kar sake, ye sab cheeze main aapko mere next videos mein batane wali hu. So stay tuned, take care, be safe, keep learning and be concentrated and focused. Bye everyone.